हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं ग्राफिक्स फैक्ट कुलदीप यादव के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पोस्टर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो ये रहा, मैंने साइट पर पिक्सब एक साइट मैंने खोल रखा है और इसमें से मैं एक फ़ोटो लूँगा, ठीक है, और कैनवा पर बनाऊँगा, ठीक है। तो आप सोचो कि कैनवा पर एक पोस्टर डिज़ाइन कैसे बनाएंगे और बाई कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लेकर के उस डिज़ाइन को हम कैसे अलग तरह से बनाना प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, और पिक्साबी पर जब भी आएंगे तो कभी कभी कोई कोई फ़ोटो आपको कैनवा से रिलेटेड आपको फ़ोटो मिलेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट आप कैनवा में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्गर का फ़ोटो ऑन किया है और यहाँ से मैं डायरेक्टली कैनवा में एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, एडिट करता हूँ इसको। अब ये ट्रांसफरिंग कर रहा है कैनवा में, ठीक है। अब ये रहा कैनवा में, ये आ गया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कैनवा ऐप में। तो इसका एक और साइट मैंने खोल रखा है कैनवा का, जो होम पेज है, ठीक है। तो ये रहा होम पेज। अब हम जाएंगे डिजाइन स्पॉटलाइट, इसमें जाएंगे, फिर इसमें राइट साइड में आपको मार्केटिंग से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आ जाएंगे पोस्टर्स, पोस्टर्स। अब यहाँ पे दे रखा है कि डिजाइन एंड प्रिंट कस्टम पोस्टर्स, आपको अनलिमिटेड पोस्टर्स कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे विद साइज के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, एक कोई साइज ले लेता हूँ, हमें सिर्फ साइज लेनी है, ठीक है। तो मैं एक ये वाला ले रहा हूँ साइज, ठीक है। इसकी साइज है, मैं ऊपर जाता हूँ, इसमें शायद मेंशन किया होगा कि कितने साइज की ये पोस्टर बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने इतने सेंटीमीटर ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं कोई भी साइज हो, मैं ये ओपन कर लिया है और इनमें से जितने भी पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ और इसमें मैं वाइट कलर डाल देता हूँ, ठीक है। अभी आप इसमें देखें, थोड़ा थोड़ा ये रेड दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आपको देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है पोस्टर की, ठीक है। तो मेरे पास एक डिजाइन है और ये फ्रीपिक का डिजाइन है, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये मैटर लूँगा और बाय कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनाऊँगा, सेम नहीं बनाऊँगा और अलग तरह से बनाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग करना प्रयास करते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सुपर डिलीशियस बर्गर, मैं ये मैटर लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैटर लिखने से पहले मैं इसमें देख लूँ कौन सा मैटर अच्छा लग रहा है। तो वो मैटर इस पर मैच करेगा कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो हालांकि खोजने पर नहीं मिल रहा है तो मैं इसमें सर्च ही कर लेता हूँ। तो ये हमने कुछ मैटर, और इसमें मैं लिख देता हूँ सुपर। अब इसमें कुछ और मैटर लिखा है, सुपर डिलीशियस, डी ई एल आई सी ए, इसके बाद क्या है, डिलीशियस।
आई थिंक डिलीशियस की स्पेलिंग खैर ये नहीं है, DELICDELIC, फिर IOUS, ठीक है, ए से बर्गर, मैं लिखूंगा बर्गर, इसके नीचे लिख दूंगा बर्गर, ठीक है, मैंने बर्गर लिख दिया। टूडे वेस्ट डील, ये भी लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ टूडे वेस्ट डील, आई थिंक ये वाला स्पेलिंग है डील, ठीक है। फ्री होम डिलीवरी, मैं ये भी लिख देता हूँ फ्री होम डिलीवरी, मैं ऊपर कर लेता हूँ और एक दूसरे फॉन्ट में मैं लिख लेता हूँ फ्री होम डिलीवरी, डिलीवरी, ठीक है, शायद यही वाला मैटर है, डिलीवरी, डिलीवरी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, यहाँ पे आई होगा डिलीवरी, डिलीवरी, ठीक है। न्यू प्राइस आपको यहाँ पे सारे मेंशन कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो मैटर है यहाँ से, मैं इसको जैसे जैसे वो मैटर लिखा है ऐसे ऐसे मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा, ठीक है। तो ये मैटर हालांकि ऐसे लिखा है तो मैं भी ऐसे ही लिख लेता हूँ फ्री होम, ठीक है। और ये वाला पहला अक्षर हमारा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, फ्री होम डिलीवरी, ये भी मैटर हमारा वह पहला वाला बड़ा बड़ा लेटर में रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे पूरा डिट्टो नहीं करूँगा कॉपी, मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश क्या, पूरा मैं बना करके दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने दो पेज ले रखा है तो मैं ये वाला डिलीट कर दे रहा हूँ और यही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब इसको अलग ले लेता हूँ शिफ्ट और अल्ट दबा करके, और इसमें से ये दोनों सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और इसमें से आपको ये वाला डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ एंड मारेंगे तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आपको दिख रहा है ऑर्डर नाउ, ठीक है। अब ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लिखने के लिए हमें इन दोनों को सबको, सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अल्ट के साथ, और इसमें मैं लिख देता हूँ ऑर्डर, ऑर्डर नाउ, मैं पूरा लिख देता हूँ बड़ा लेटर में, ऑर्डर नाउ, ठीक है। ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी डिटेल वगैरह, नंबर वगैरह डिटेल लिखा है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर ले रहा हूँ, और यहाँ से ये अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा ऑर्डर की स्पेलिंग मैंने थोड़ा गलत लिखा है, आई थिंक ऑर्डर ये रहेगा, ऑर्डर नाउ, और यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको,
और इसमें मैं देता हूँ एक बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और इसके नीचे लाता हूँ, और ये वाला हम थोड़ा सा इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और बॉक्स बनाऊँगा। तो यहाँ से मैं ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से थोड़ी से हम चेंजिंग करेंगे आपको, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा ये कॉन्सेप्ट ऐसे था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर करके इसमें मैं वाइट कलर भर दूंगा, ठीक है। इसमें मैं वाइट कलर अभी भर देता हूँ, ये वाइट हो गया। बाकी आपका ये जो कलर दिख रहा है, ये वाला कलर आपको बैकग्राउंड में भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कलर हम पहले चूज कर लेते हैं, कलर में जाएंगे और थोड़ी सी मैचिंग कलर हम लेंगे। आई थिंक यही वाला कलर है, ठीक है, ये वाला यही कलर है, बट हमें इसकी थोड़ी सी और कमी बेसी है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ग्रेडियंट में, ठीक है। तो ग्रेडियंट में हम जाएंगे, ये रहा ग्रेडियंट, और यहाँ से हम थोड़ी सी कमी बेसी है तो उसको भी हम कर लेते हैं, लेकिन हालांकि ये थोड़ी सी ये डार्कनेस है, ठीक है। तो हम जाएंगे इसमें एक साइड हमें ब्लैक देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ और ये वाला नहीं, ये भी नहीं, थोड़ा सा ये तो मैच कर रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है। तो मैं इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है कि इसको ऐसे करना है, ठीक है। बीच में आपको ये जो ऑप्शन देख रहा है, इसको हमें थोड़ा सा कम करने हैं। तो इसको हमें कम करने के लिए कि थोड़े से हमें इसको कम कर देते हैं, ठीक है। ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे है। तो ये हमारा ये जो ब्लैक वाला ऑप्शन है, ब्लैक वाला ऑप्शन हमारा ऐसे थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से ऐसे ही रहने देते हैं और अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें ये जो कलर दिख रहा है, थोड़ा सा और मैं कम कर देता हूँ, इसको भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, चलिए ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है, और ये जो ऑप्शन आपको देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा, तो ये वाला ऑप्शन करने के लिए हमें थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी डिलीट, इसको करता हूँ वाइट। तो अभी देखेंगे वाइट हो गया, और ये जो आपको ऑप्शन है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। पूरी के पूरी मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे जो ये ऑप्शन दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और एक ऑप्शन और भी दिया है, तो इसका भी थोड़ा बहुत हम यहाँ से
दे ही देते हैं। तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ कुछ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, मैं इसको इसी पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे है। तो ये हमारा ब्लैक है। इन दोनों को पकड़ के नीचे करेंगे और ये राइट क्लिक करके यहाँ से मैं बैक भेज दूँगा। और इसको देख लेता हूँ कौन सा कलर है। तो हमारा ये कलर कुछ और है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसी को अल्ट के साथ थोड़ा नीचे लाऊंगा और इसमें मैं डाल देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। अब मैंने ये वाला कलर डाल दिया। अब इसमें मैं डाल देता हूँ कोई और कलर, सॉरी ये वाला कलर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं पकड़ के, चलो ये यही कलर रहने देता हूँ, ठीक है। और ये भी कलर हमारा सेम वही कलर रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। मैं इसको अल्ट के साथ ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा, अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि ये किस टाइप का है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये छोटा है, ठीक है। तो ये वाला आपका ब्लैक है, ब्लैक ही रहने देता हूँ। बाकी ये वाला ऑप्शन ये भी छोड़ देता हूँ और ये वाला आपका ऑप्शन फ्री होम वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन हम थोड़ा चेंजिंग करेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा ये चीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी में लिखेंगे, ठीक है। लिखने के लिए हमें पहले इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेना है, सॉरी इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा अल्ट और शिफ्ट दबा करके, ठीक है। और इसको भी पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, हो गया। और इसमें देख लेता हूँ, तो अभी देखें ये हमारा ये इस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो सिस्टम है आपका डिलीवरी, DELIVERY डिलीवरी, ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारा फ्री होम, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं। जैसे मान के लिए अल्ट शिफ्ट दबाया, अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला डिलीट कर देता हूँ और ये अलग कर देता हूँ। और इसमें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं अलग अलग सोच रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अल्ट और शिफ्ट दबाऊँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा और ये अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा और ये वाला हमारा थोड़ा सा अंदर, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ के मैं घुमा देता हूँ, सॉरी इसमें देख लेते हैं कौन सा कलर है। तो ये हमारा थोड़ा सा कलर चेंजिंग है, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। और आपका ये जो फोटो दिख रहा है, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसमें ला करके मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। और इसको मैं राइट क्लिक करके इसको बैक भेजूँगा, ठीक है।
और डिज़ाइन देख लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कैसा था, ये ऐसा था, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग ऑप्शन करेंगे। तो इसमें मैं कर देता हूँ, जैसे मान के चलिए ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला हमारा थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, BURGER, बर्गर, ठीक है। और जो बीच वाला है, बीच वाला तो, और ये वाला दोनों ऐसे ही रहन देते हैं। तो इसको मैं देख लेता हूँ, और पहले अक्षर में बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, सुपर हो गया। और यहाँ से डिलीशियस, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिया। और ये ऊपर चाहें तो कर सकते हैं। और अभी आप देखें कि हमारा डिज़ाइन ये थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। तो मैं ये काम करूँगा कि इसको थोड़ी सी चेंजिंग और करूँगा, मैं थोड़ा सा बीच में ला करके नीचे कर लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद और एक और कॉपी करता हूँ ये, ठीक है। तो ये हमारा एक और कॉपी हो गया। और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसको मैं कर देता हूँ ऐसे गैप, बीच में मैं कोई ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे मान के चलो ये। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और बीच में कुछ ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ग्रुप करके थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ, ये भी थोड़ा सा तिरछा हो गया। और इसको मैं पकड़ के सारे को अलग अलग कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा वाइट में दे देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा कलर सेम वही कलर कर देता हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़े से वाइट वाइट का ऑप्शन दे देता हूँ, वो भी ये वाला वाइट का, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। तो अभी देखें ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, और चाहे तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ। मैं इसको ऊपर ही करता हूँ, मैंने ऊपर दबाया फिर इसमें गया, इसको करता हूँ मैं बीच में, ठीक है। तो अभी देखें ये अच्छा लग रहा है, और ये अनग्रुप करता हूँ और ये डिज़ाइन में थोड़ा सा जो बैकग्राउंड कलर है सेम वही कलर दे देता हूँ, इन तीनों को मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो आउटलाइन है, आउटलाइन में भी थोड़े से मोटा करके और बहुत हल्का सा लगभग 1 पॉइंट पे इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इस थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें कैसे लग रहा है, थोड़ा सा छोटा कर के। तो अभी देखें डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हमारा ये है, हमने थोड़ी सी चेंजिंग किया है, हालांकि ये कुछ भी नहीं है,
इससे एकदम अलग मैंने बनाया है, ठीक है। और ये हमारा डिजाइन देखो कैसा लग रहा है, तो गाइज देखें और बताएं कि हमारा डिजाइन कैसा लगा है, और कमेंट में लिखें, ठीक है, कमेंट में लिखें और आगे भी बताएं कि हमें कैसे डिजाइन बनाना चाहिए, और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे ऑप्शन को मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।